नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी हो रहा खबरों की ओर, जहां हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई जारी। सीएम नायब सैनी ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस ने विशेष सत्र बुलाने पर सवाल उठाए हैं। जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजवाखेड़ा भी विधानसभा पहुंचे हैं, तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि विशेष सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। सुबह 11 बजे से ही कार्रवाई जारी है और आपको बताते चले कि सीएम नायब सैनी ने जो विश्वास प्रस्ताव है वो पेश कर दिया। कांग्रेस ने विशेष सत्र बुलाने पर भी सवाल उठाए, क्योंकि अब जब पिछले दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जब से हरियाणा में लगातार राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। कल बड़ा यहां पर मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ। हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, उन्होंने जो अपना इस्तीफा है वो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सौंपा, जिसके बाद शाम 5 बजे यहां पर शपथ ग्रहण की गई। हमारे साथ इनपुट एडिटर सुजीत कुमार फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। सुजीत जी, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि आज हरियाणा विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो सुबह 11 बजे से उसकी कार्रवाई शुरू हो गई और सीएम नायब सैनी ने विश्वास मत पेश कर दिया और अपने 48 विधायकों का जो मत है वो पेश किया है। बिल्कुल, अभी विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा जारी है जी। और पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी राय रख रहे हैं और विपक्ष के जो विधायक हैं, खास तौर पर अभी आपने देखा होगा रघुवीर सिंह कादियान और रावदान सिंह और अभी जो फरीदाबाद से एमएलए हैं नीरज शर्मा, वो अपनी राय रख रहे हैं। और खास तौर पर विपक्ष इस बात पर सवाल उठा रहा है कि अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की थी और सारी बातें की थी और उसके बाद भी जो है अचानक से उनको हटाकर नया मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और जिस तरीके से सरकार की कार्यशैली है उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं कि जो है सरकार की, चाहे कह सकते हैं कि जो नीतियां रही हैं, चाहे किसानों से जुड़ी हो या फिर भ्रष्टाचार के मामले हों, इन तमाम मुद्दों को इस मौके पर विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है। हाँ बिल्कुल सुजीत जी, देखिए विपक्ष की तरफ से भी यहाँ जो घेराव है वो देखने को मिल रहा है। विपक्ष भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अब अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव भी करीब है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी काफी कम वक्त ही बचा है, यानी कि कुछ वक्त के ही जो नए सीएम है वो नायब सैनी बने हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ पर पूरी जो राजनीतिक रोटियां वो सेकते हुए साफ तौर से नजर आएगा। बिल्कुल, अभी कह सकते हैं कि अभी लोकसभा के चुनाव है, आप देखेंगे कि 1-2 दिन में ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद जो है अक्टूबर में जो है विधानसभा का चुनाव लंबित है और ऐसे में अब विश्वास मत आज हासिल करने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सारे राजनीतिक दल जुड़ेंगे और जिस तरीके से हरियाणा में घटनाक्रम देखने को मिला है, आपने देखा कि जो है जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन अलग हुआ है, तो इसका भी प्रभाव जो है लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उस पर देखने को मिलेगा। और गठबंधन ही नहीं अलग हुआ है, गठबंधन अलग होने के अलावा आपने देखा कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया है। बिल्कुल, अगर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है तो वहीं जेजेपी जो गठबंधन में थी अभी तक, अब जो है आज वो उनका हरियाणा में वो नव संकल्प रैली कर रहे हैं, उन नव संकल्प रैली में अपना आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे, लोगों के बीच में वो अपनी बात रखेंगे क्यों हालात बने या क्यों उनको गठबंधन से अलग होना पड़ा। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल ये है कि जेजेपी ने आज विधानसभा के लिए व्हिप जारी किया और 3 लाइन का जो व्हिप जारी किया उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने विधायकों को निर्देश दिया है कि वो सदन में उपस्थित ना हों, सदन से गैर हाजिर रहें, लेकिन फिर भी जो है जेजेपी के 5 विधायक सदन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उसमें
राम कुमार गौतम हैं, वो लगातार जो है विरोध करते रहे दुष्यंत चौटाला का, अपनी पार्टी का, अपने पार्टी के नेताओं का। इसके अलावा जो अभी तक सरकार में जो पिछली आज के पहले कल तक जो सरकार थी उसमें जो मंत्री रहे देवेंद्र बबली, वो भी वहाँ सदन में मौजूद हैं। और राम कुमार गौतम और देवेंद्र बबली के अलावा अगर आप बात करें ईश्वर सिंह भी मौजूद हैं, और इसी तरीके से रामनिवास सुरजाखेड़ा वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो कई 5 ऐसे MLA हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल सुजीत जी, लेकिन इस बीच अगर हम ये देखें तो पहली बार बीजेपी की तरफ से ये रणनीति नहीं अपनाई गई है चेहरा बदलने वाले की, मुख्यमंत्री का जो आखिरी समय पे चेहरा बदल दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे अगर हम बात गुजरात की कर ले तो 2021 में यहाँ पर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विजेंद्र रूपाणी, उनको बदलकर एक साल के मुख्यमंत्री विधायक रहे भूपेंद्र पटेल को सत्ता सौंप दी गई थी, मुख्यमंत्री बना दिया गया था, और अगले साल 2022 में चुनाव होना था और यहाँ पर भारी मतों से जीत हासिल भी की थी। और बात अगर हम कर्नाटक, उत्तराखंड, त्रिपुरा की करें तो वहां पर भी यही रणनीति बीजेपी की देखने को मिली थी, और कर्नाटक के अलावा हर राज्यों में जो ये रणनीति है वो सफल भी हुई है बीजेपी की। देखिए, कह सकते हैं अब तक कई ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने CM बदले हैं, लेकिन कई राज्यों में तो उनको सफलता मिली है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां ये रणनीति सफल भी नहीं हुई है। तो कह सकते हैं कि अब यहां पर भी उस तरीके का दांव बीजेपी ने खेला है। अब ये चुनाव के बाद पता चलेगा कि जो है बीजेपी की जो रणनीति है वो कितनी सही साबित होती है या और नुकसान पहुंचाती। ये चुनाव जब होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। और दूसरी बात, अभी जैसे लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा के चुनाव से स्पष्ट होगा कि जो है जो सरकार में बदलाव किया गया, अभी हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, अगर उन 10 सीटों में से आप देखेंगे कि 10 की 10 बीजेपी के पास हैं, तो अब जब लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी का प्रदर्शन किस तरह का देखने को मिलेगा उससे स्पष्ट होगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो नायब सैनी हैं वो भी सांसद हैं, वो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और उनको CM बना दिया गया है, तो जाहिर तौर पर अब उनको लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़ाया जाएगा। इसी तरह से चर्चाएं हैं कि अगर मनोहर लाल को CM पद से हटाया गया है तो हो सकता है कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए। तो कई ऐसी रणनीति अभी बदलेंगी, बीजेपी की भी बदलेगी और बीजेपी की रणनीति के हिसाब से जो विपक्षी दल हैं वो भी अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे, और उन तमाम जो उसके बाद जो चुनाव होगा और चुनाव में किस तरीके से प्रदर्शन किस दल का सामने आता है उससे पता चलेगा। और बीजेपी के लिए तो खास तौर से उसके पास 10 में से 10 हैं, अगर उन्होंने CM बदला है, वो अब हो सकता है कि नया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी बदले, क्योंकि नायब सैनी ही अभी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि जो है अगर रणनीति में बदलाव का फायदा मिलेगा लोकसभा चुनाव में तो ठीक है, रणनीति सफल मानी जाएगी, लेकिन अगर वो रणनीति माना जाएगा कि उनको नुकसान हुआ। बिल्कुल, अब देखना होगा कि ये रणनीति अपनाने से बीजेपी को फायदा होता है या फिर नुकसान होगा, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।